हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मिस्टर सीओ मेकर चैनल में। दोस्तों आज मेरे पास है भाई स्टिंग की बोतल, जो कि ये रेड कलर की। तो इसके बारे में, स्टिंग के बारे में अभी मैं आप लोगों को आगे और कुछ बताना चाहूंगा। और भाई ये है मेरे पास, ये फूड्स कलर यानी कि येलो कलर का है ये। और भाई ये है रिन, यानी इसमें भाई जो मिक्स होता है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिक्स होती है और इसे लोग भी आला भी कहते हैं। तो गाइस आज हम इस ब्लीचिंग पाउडर को इन दो कलर्स में मिक्स करेंगे, फिर देखते हैं कि जो फाइनली रिजल्ट होता है, आखिरी लास्ट का रिजल्ट वो आखिर होता कैसा है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलो सबसे पहले आप लोग को एक ट्रिक दिखा देते हैं, जो कि मैंने आज इसको सीखा है, तो सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी दिखा दिया जाए। तो देखो सिंपली मैंने इस जो आखिरी लास्ट का उंगली होता है उसमें हमने इस रबड़ को पहन लिया है। और देखो मैंने ऐसे किया इसको, अब ये इधर से ऐसे किया, अब देखो ये रबड़ इसमें आ गई, तो है ना काफी कमाल की ट्रिक। चलो एक बार और करते हैं इसको। तो गाइस है ना कमाल की ट्रिक। तो चलो आपको हम लास्ट वीडियो में ये चीज आपको सिखा देंगे। तो देख सकते हो आप, सिंपली एक गिलास लेना आपको और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और देखो ये फूड्स कलर है जो कि हम इसमें डाल देते हैं, ये येलो कलर का है, इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं। इतना काफी रहेगा। चलो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखो इसमें हम मिक्स कर लिए कलर को। अब देखो ये है ब्लीचिंग पाउडर, इस ब्लीचिंग पाउडर को हम इसमें डालते हैं और फिर देखते हैं रिएक्शन होता क्या। वाओ, देखा आपने कि जैसे ही मैंने ब्लीचिंग पाउडर को इसमें थोड़ा सा डाला, ये कलर ऑटोमेटिक ही चेंज हो गई है। थोड़ा इसमें और डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। अब देखो देखो एकदम से जो कलर है फूड्स का एकदम से चेंज हो गई है। देखो आप ध्यान से देख सकते हो। चलो थोड़ा सा इसमें हम कलर्स को और डालते हैं। ये मैंने कलर को डाला और ये देखो पता ही नहीं चला कि मैंने इसमें कलर डाला है। ये देखो अब देख सकते हो आप, जैसे थोड़ा सा मैंने कलर डाला लेकिन पता ही नहीं चला कि मैंने इसमें कलर डाली है। तो ये रही पहला ट्रिक। अब चलो इसको हम रखते हैं साइड में। तो देखो मेरे पास एक गिलास और है और इस गिलास में हम स्टिंग को डालते हैं। अभी देखो तो स्टिंग के बारे में सबसे पहले बता देते हैं आपको, ये है स्टिंग, जो कि इसमें भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट रिकमेंड और फॉर चिल्ड्रेन एंड प्रेगनेंट, यानी जो औरतें हैं, प्रेगनेंट औरत और बच्चे खासकर इसको बिल्कुल ना पिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वार्निंग दिया हुआ है। और ये मैंने देखा कि काफ़ी लोग इसको पीते हैं और एक नहीं दो दो चार चार बोतलें पी लेते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसको बिल्कुल भी ना पिए, लिमिट तक पिए, ज़्यादा ना पिए इसको। और मैं पर्सनली मैं अपना बता दूँ कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, स्टिंग बिल्कुल मैं नहीं पीता हूँ। एक बार पिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसका जो टेस्ट होता है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो चलो जो काम का वीडियो है उसको बनाते हैं। तो इस स्टिंग को हम इस गिलास में डाल लेते हैं। चलो क्या करेंगे, इसको हम पूरा डाल देते हैं, इसको पीना भी नहीं है हमको। और हम इस अब ब्लीचिंग पाउडर को स्टिंग में डालते हैं। जो इसका कलर है स्टिंग का वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसका कलर जो है मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेड कलर का। चलो अब इसको ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, अभी कुछ नहीं हुआ। चलो और डालते हैं। तो चलो रिएक्शन देखें कि आखिरी में होता क्या रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और डालना पड़ेगा ब्लीचिंग पाउडर, जो कि मैंने स्टिंग को ज्यादा ले लिया है। अरे वाह, तो आप देख सकते हो, अब आप कलर को देखो, हालांकि मैंने स्टिंग को ज्यादा ले लिया था। अब कलर आप देखो कि जो ये रेड कलर का था वो थोड़ा
येलो कलर में था, यानी कि ये जो गिलास है मेरा भर गया है। अगर मैं थोड़ा इसमें और डालूं ये ब्लीचिंग पाउडर तो ये हमें लग रहा है कि वाइट में हो जाएगा और हल्का धीरे धीरे ये हो भी रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये रेड कलर का है और ये एकदम वाइट होने में कुछ थोड़ा सा बाकी, ये गिलास भर गया है वरना अभी ये हो जाता वाइट, देख सकते हो आप। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल कम से कम पिया करो तो आपके लिए बेहतर होगा। देख सकते हो आप इसका कलर देख सकते हो और ये इसका कलर देख सकते हो। जैसे ही मैंने ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया तो इससे तुरंत ये अपने कलर को चेंज कर लिया। तो देखा आप लोगों ने कि कैसा हो गया था, कलर चेंज हो गया था। तो अब चलो चलो जो आपको बताया था चलो ये सिखा देते हैं आपको। तो सिंपली आपको एक रबड़ लेना है, तो आपको ऐसे करना है, देखो ऐसे पहन लेना है ऐसे, और आपको ऐसे करना है, ऐसे करके ये जो ऐसे है ऐसे करके ऐसे कर लेना, सिंपली आपका जो रबड़ होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। चलो एक बार फिर से करते हैं। देखो ऐसे ले लेना है रबड़ को और ऐसे ऐसे करना है और इधर से ऐसे करके ऐसे कर लेना है। तो थी ना कमाल की ट्रिक। तो ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग को बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, ताकि ऐसे ऐसे ट्रिक्स देखने को आपको मिलता रहे और ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहे। तो मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।